हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट पीडियाट्रिक। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बच्चों में कंस्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। ये बच्चों में कंस्टिपेशन क्यों होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग कब और कैसे कराना है, और टॉयलेट ट्रेनिंग करने के बाद भी यदि बच्चों में कंस्टिपेशन रहता है तो मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कब फॉलोअप करना है, कब हमें दवा शुरू करनी है, कब बंद करना है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। बच्चों में कंस्टिपेशन काफ़ी कॉमन है। कंस्टिपेशन जनरली दो तरह का होता है, एक फंक्शनल कंस्टिपेशन जिसमें कोई सीरियस कारण नहीं होता है, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंस्टिपेशन जिसमें कुछ गंभीर बीमारी के साथ इसका एसोसिएशन होता है। तो बच्चों में देखा गया है कंस्टिपेशन यूजुअली फंक्शनल कंस्टिपेशन होता है, जिसमें कि गलत तरीका से बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कर रहे हैं, सही टाइम पर टॉयलेट ट्रेन नहीं कर रहे हैं, या घर का कुछ ऐसा माहौल है, या आप जल्दी से बच्चे का खाना यदि चेंज करते हैं बोतल से, डाइटरी सही से चेंजिंग नहीं होता बच्चों में, कब क्या लाना है, ये सब गलत तरीके से इंट्रोड्यूस करने के कारण बच्चों में कंस्टिपेशन देखा गया है। तो इस तरह का कंस्टिपेशन में इन्वेस्टिगेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो टॉयलेट ट्रेनिंग हमें कब करना है और कैसे करना है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग 2 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ कभी भी नहीं करना है। यूजुअली आप 3 से 4 साल के बीच में टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करें और रूल ऑफ 1 को फॉलो करें। सिंगल पर्सन होगा, एक टाइम पे होगा, साथ में एक जगह पे होगा, और एक वर्ड पू या पॉटी, यही आपको रूल ऑफ 1 को फॉलो करना है। यदि कोई बच्चा कंस्टिपेटेड है तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई मेजर मील आप खिलाते हैं, उसके 20 से 30 मिनट के बाद उसको टॉयलेट में ले जाए और 5 से 10 मिनट के लिए बैठने के लिए कहें, और साथ में यदि उसे दर्द होता है स्टूल पास करने के टाइम में तो उसको भी ट्रीट करना है, और ऐसा आप 2 से 3 बार दिन भर में करें। उसके बाद आता है हमें किस तरह का टॉयलेट बेटर होता है। तो हमारा इंडियन टॉयलेट है वो सबसे बेटर माना जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। यदि आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप है जो फुट रेस्ट के साथ यूज करें। फुट रेस्ट यूज करने से कैसा होता है कि जो आपका एक एंगुलेशन बनता है जिसके कारण से स्टूल पास करना आसानी से स्टूल निकल जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है डाइट्री मैनेजमेंट। आप डाइट्री मैनेजमेंट भी बच्चों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप सही से डाइट इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उसमें भी कंस्टिपेशन का चांस ज़्यादा रहता है। नॉर्मल पानी तो देना ही है बच्चे को, साथ में आप डाइट्री फाइबर जो कि बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है 0.5 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आपको देना है। और डाइट्री फाइबर मोस्टली वेजिटेबल सलाद ये सब में पाया जाता है, वो आपको देना है। मिल्क को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है इसमें आपको। उसके बावजूद भी यदि बच्चों में कंस्टिपेशन ठीक नहीं हो पा रहा है तो फाइनली हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है डिसइंफेक्शन फेज और दूसरा होता है मेंटेनेंस फेज। डिसइंफेक्शन फेज में जो इंटेस्टाइन में हार्ड स्टूल पड़े रहते हैं उसको कम्प्लीटली इवैक्यूएट कराना रहता है। तो आप चाहे हॉस्पिटल बेस्ड कर सकते हैं या होम बेस्ड भी कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल बेस्ड का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है, होम बेस्ड है जो कि उसका भी सक्सेस रेट ज़्यादा है, उससे भी कर सकते हैं। दोनों की इक्वल इफिकेसी के साथ हमारे पास ओरली और रेक्टल ड्रग दोनों अवेलेबल है। ओरली है जो कि आप पेग यूज कर सकते हैं और रेक्टल इनिमा के रूप में यूज कर सकते हैं। इनिमा हमारे पास जो है वो नॉर्मल सलाइन के रूप में अवेलेबल है और प्रोक्टोक्लेसिस इनिमा है। रेयरली बच्चों में मैनुअल इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। और अब जब डिसइंफेक्शन फेज हो चुका है तब हमें मेंटेनेंस ड्रग भी देना है क्योंकि फिर से रिकरेंस होने का चांस रहता है। मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में हम लोग लैक्सेटिव देते हैं, लैक्सेटिव या तो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव यूज़ करें और एक होता है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। बच्चों में उतनी स्टडी हुई नहीं है, वो उसे सिर्फ रिस्क थेरेपी के रूप में आप यूज कर सकते हैं, 2 से 3 दिन यूज करके बंद कर सकते हैं। और अवेलेबल ड्रग हमारे पास है सोडियम पीकोसल्फेट है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के रूप में हमारे पास 2 ड्रग अवेलेबल है, एक लैक्टुलोज और दूसरा पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग माना जाता है
लेकिन लेस देन 1 ईयर में बेटर ड्रग है जो कि बोला जाता है लैक्टुलोज। किसी कारण से यदि पेग हम नहीं दे पा रहे हैं उस कंडीशन में जो कि लैक्टुलोज ही देना है, लैक्टुलोज और पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल पैक दोनों को साथ में कभी भी नहीं देना है। उसके बाद अब आता है कि जो फॉलो अप कैसे करना है और कब हमें दवा बंद करनी है। तो फॉलो अप हमें हमेशा ऑलमोस्ट 14 डेज के बाद करना है। उसमें एक स्टूल डायरी बच्चे को देना है जिसमें कि आप पेरेंट नोटिस करेंगे कितना बार बच्चा स्टूल पास कर रहा है और किस तरह का पास कर रहा है वो नोट करेंगे, और साथ में हम कंप्लायंस भी चेक कर लेंगे। और उसके बाद हमें प्रत्येक महीने महीने तक एटलीस्ट 6 महीने तक बच्चों को फॉलो अप करना है। और देखा गया है ऑलमोस्ट 6 मंथ में बच्चा नॉर्मल स्टूल पास करने लग जाता है। उसके बाद ही हमें 6 महीने के बाद ही हमें बंद करना है, और बंद करने का तरीका हुआ डायरेक्टली कभी भी नहीं बंद करें, ग्रेजुअली 3 महीने में टेपर करके आपको बंद करना है। और देखा गया है कॉन्स्टिपेटेड चाइल्ड में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है, सो उसे भी आप इन्वेस्टिगेट करें क्योंकि काफ़ी कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बच्चों में होता है। तो यदि इससे भी फिर ठीक नहीं हो रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट से भी नहीं ठीक हो रहा है, तो निश्चित ही बच्चों को आपको कुछ रिफ्रैक्टरी कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल 5 मिनट पीडियाट्रिक्स। थैंक यू।